नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में, जो कि सीटेट अगस्त 2023 रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करना चाहते होंगे, लेकिन आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करने आते भी नहीं होंगे, तो मैं आपको जो है इसी के विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है, और खुद से मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना, ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी या सीटेट टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको शो होंगे। दोस्तों, इस वाले वेबसाइट पे आने के लिए अगर आपको दिक्कत होता होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से अप्लाइड हो रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बारी बारी से स्लाइड हो रहे हैं, तो इसी में आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर नहीं आपको बार बार ये स्लाइड होते रहें तो आपको जो जिस पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट अगस्त 2023 रिजल्ट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो उसको कैसे मंगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरो का लाइन दिया है, जिससे आपको भगा के आपको उस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हुए आप यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे सीटेट अगस्त 2023। तो सिंपल से आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा, रेड कलर में आपको एक ऑप्शन मिलता होगा सीटेट अगस्त 2023 रिजल्ट। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है, यही लिंक है, आपको इसी पे क्लिक करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, इंटर योर रोल नंबर, तो जो भी आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लेंगे जो आपका रोल नंबर होगा वो इसमें आपको फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, इस पर फिल करके आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट होंगे वो शो करने लगेंगे, और आपको जो है शो करने बाद आपको जो है राइट साइड में यहाँ पर आपको बगल में आपको देखने को मिलेगा प्रिंट का, वो प्रिंट करके आप रख भी सकते हैं। इसी तरह से आपको चेक करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आपको चेक करना है। इसी एक चीज़ दोस्तों, मेरे पास कोई भी स्टूडेंट का डिटेल्स रोल नंबर नहीं है जो कि मैं आप लोगों को रिजल्ट निकाल के लाइव प्रूफ दिखा सकूं। तो मैंने जिस तरह से बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल के और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मार्कशीट निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है चेक। तो यही थी जानकारी दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।